मनोज एंड मेरा बेबी हेमांश, ये 3 साल का है। इसे 4 महीने से फिट आते थे और प्रॉब्लम हो रहा था सीपी। ऐसे हमने बहुत सारे एलोपैथी ट्रीटमेंट्स के बारे में सुना और ट्राई भी किया, मगर कुछ फ़ायदा नहीं था तो हम बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए थे। मगर जैसे सर्च किया, हमें यूट्यूब पे पता चला नाड़ी योग के बारे में, तो हमने देखा कि उसमें तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और मेडिसिन भी नहीं है, खाली अपने हाथों से कुछ एक्सरसाइजेस जैसे करवा रहे हैं वही करना है। तो हमने जैसे डॉक्टर आशीष जी का ऑक्सीजन वीडियो है सीपी पे बेबीज़ के लिए, तो हमने वो ट्राई किया घर पे पहले, हमें बहुत अच्छा लगा। 15 दिनों में इसका सलाइवा निकलना कम हुआ था, तो हमें और भी हिम्मत आ गई थी, अच्छा लगने लगा कि नहीं ये काम कर रहा है, चलो हम ट्राई कर लेते हैं। तो हमने डॉक्टर आशीष जी से अपॉइंटमेंट ली, बात की, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रीजंस बताए, नहीं ये होएगा, हो पाएगा, टाइम लगेगा मगर हो जाएगा, इस ऐसी कोई बात नहीं है कि ये नहीं होगा, क्योंकि एलोपैथी में बोलते हैं देर इज़ नो क्योर, बट डॉक्टर आशीष जी बता रहे हैं कि हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम उनकी बात सुन के यहाँ आ गए देहरादून में नाड़ी योगा उनसे मिलने के लिए। हमने उनसे ट्रीटमेंट लिया 5 दिन का, यहाँ पे बहुत अच्छा है। पहले यहाँ आने के लिए मुझे बहुत डर लग रहा था कि इतना दूर जाना है, 5 दिन रहना है, क्या करेंगे बेबी को, क्या कैसे देखेंगे, मगर बहुत अच्छा है यहाँ पे, द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी गुड, यहाँ के पीपल बहुत अच्छे हैं, और आशीष जी का तो कुछ बोल ही नहीं सकते, वो तो बहुत बहुत अच्छे हैं। उनसे बात करके ही हमें बहुत हिम्मत मिल जाती है, और उन्होंने जैसे जैसे बताया है ये 5 दिनों में उन्होंने करवाया भी है, उनके डिफरेंस तो 5 दिन में नज़र आ रहे हैं, तो हमें ये है कि कॉन्फिडेंस है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो जो भी सीपी बेबीज़ और ऑटिज़म ऐसे कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ बेफिक्र होकर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ डॉक्टर आशीष जी ऐसे ट्रीटमेंट बता रहे हैं कि उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि एलोपैथी से मेरे बेबी को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो गए, वो तो नहीं होगा। 100% आप यहाँ आ सकते हो और ट्रीटमेंट ले सकते हो और फ़ायदा पा सकते हो। तो आशीष जी का वो क्लिनिक नाड़ी योगा बहुत अच्छा है, आप 100% आ सकते हो यहाँ पर।